शादी के लड्डू तो बहुत खाए होंगे आपने, सोचा शादी के पतासे खिला दें। इसी एंजल प्रिंसेस के नाम से आईडी बनाई है, फोटो भी करीना की लगाई हुई है, बहुत पुष्टि है तेरे बारे में। इतना बड़ा फट्टू है तू, बहुत ज्यादा इसको प्यार करता है। मुझे लगा कि हमारी लव स्टोरी इतनी आसान कैसे होगी, जिसे प्यार करता था उसे बताया भी नहीं और सीधा शादी होगी। अगर है तो बस कुछ लोग को थोड़ी अकल की कमी है। देखा कैसे ताना मार गई? तू चुप कर अभी। शादी से पहले ये बात तय हुई थी कि शादी के बाद भी मैं कॉलेज जाऊंगी, समझी? उपजी हुई थी कि नहीं? हाँ हुई थी, हुई थी। पर शाम तक जैसा गूंगे गूंगे मैं अब माची और मत। सिर्फ खाना नहीं बनाना होता, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो। मुझे पढ़ी हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। इस तरह का पागल फिर सवार हो गया तेरे दिमाग पे। ले आओ ना कोई पढ़ी लिखी। जरा बात करना ही बेकार। अपनी लड़ाई सिर्फ दूसरों से झगड़ना नहीं होती, बल्कि दूसरों को माफ करना। आप कितने समझदार हो, मुझे नहीं पता था। सोचा था आयशा के साथ अपने घर में एक छोटी सी जन्नत बसाऊंगा, लेकिन किसे पता था ये जन्नत जहन्नुम जैसे लगने लगेगी। आपको लगता है मैं झगड़े करती हूँ, मैं लड़ाइयाँ लड़ाती हूँ? आस्ता आस्ता ना उसने सेठनी बन जाना और मैंने बन जाना नौकरानी। उस दिन क्या जरूरत थी इसको मेरे मम्मी पापा के सामने वो तमाशा करने की? उसका बस चले ना, वो तो आपसे भी काम कराएगी। है? आपको क्या लगता है मैं करती हूँ ये सब? मेरी गलती है। मैंने कुछ गलत बोला अबू जी? हाँ? आप ही बताओ ना मैंने कुछ गलत बोला। मेरी तो गलती हो भी नहीं सकती, ये तावन से दिन छह से आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। हमारे हिंदुस्तान को कहा जाता है कि जैसे ही शादी का सीजन आता है तो शॉपिंग जो है लड़कियों के द्वारा जो है जोरों शोरों से की जाती है और सीधे तौर पर जो ट्रेंडी आउटफिट्स है वो वहां से खरीदते हैं। और बात की जाए लड़कों की तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ काम करवाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बॉलीवुड की तो बॉलीवुड एक ऐसा जरिया है जहां से हिंदुस्तान की परंपरा दिखाने की कोशिश की जाती है कि कौन सी संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं। और शादी की बात की जाए तो शादी कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो सभी कहते हैं भाई टाइम हो गया, शादी कब करोगे, ये को बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। लेकिन एक मूवी आ रही है, बॉलीवुड की मूवी आ रही है, और खास बात यह है कि यहाँ पर आर्टिस्ट है जो काम कर रहे हैं, अपना हुनर जो है वो दिखा रहे हैं, वो जम्मू से बिलोंग करते हैं और सीधे तौर पर वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूं कि इसकी जो शूटिंग हुई है वो जम्मू की खूबसूरती के लिए हुई है कि हमारा जम्मू कितना खूबसूरत है। और दूसरे तौर पर यहाँ पर हुनर जो है तराशा गया और हुनर ने अपनी जो एक काबिलियत जो है वो सीधे तौर पर वहां पर साबित की। और नेहा जी मेरे साथ है और अर्जुन मेरे साथ है, इनसे मैं बात करूंगी। नेहा जी कितनी शादियां अटेंड की अभी तक? याद भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा क्या क्या खास रहता है शादी? यार खास में अब हमारे इंडिया में देखो, आप यहाँ जम्मू में देखो बेसिकली तो यहाँ का कल्चर ही बहुत अच्छा है। मतलब लड़कियों को तो वैसे सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती, फिर कितने सारे फंक्शंस होते हैं, मेहंदी का होता है, बैंगल सेरेमनी होती है, लड़कों की कॉकटेल पार्टी। फेवरेट वन कौन सा है? मेरा, मुझे तो शादी अच्छी लगती है, मेरे लिए सब फेवरेट है। मतलब बैंगल सेरेमनी लड़कियों के लिए किस चीज की कमी? काफी ज्यादा शॉपिंग करती होंगी, कितना बिल आता होगा? वो भी कभी नहीं काउंट किया। तो बिल देता कौन है? पापा? नहीं अभी तो खुद ही देते हैं फिलहाल, कभी मम्मा कभी पापा कभी मैं। अर्जुन आपके लिए, इन्होंने जिक्र किया काफी ज्यादा वहाँ पे सेरेमनीज होते हैं, आपके लिए कौन सा फेवरेट? लड़कों के लिए भी, जैसे लड़कियों की आजकल तो कुछ ज्यादा ही होने लगी है सेरेमनीज, बैंगल सेरेमनीज, मेहंदी रात, संगीत, इनके तो ज्यादा फंक्शंस रहते हैं। बट लड़कों के, हाँ मैं मेंशन करूंगा कॉकटेल पार्टी, बैचलर्स पार्टी जो होती है वो बहुत ही एक्साइटमेंट उसकी रहती है। मैंने तो ज्यादा नहीं की है, मैंने अपनी फैमिली में ही जो मेरे रिलेटिव है उनकी ज्यादा अटेंड की है, तो कुछ अभी नंबर कुछ एग्जैक्टली याद नहीं। मजा आता है। हाँ चलिए आपसे मैं बात करूंगी शादी के पतासे। अगर मैं कहूँ तो जम्मू में काफी लोग पसंद करते हैं, और पतासे खाए हैं आप? एग्जैक्टली, पतासे एक ऐसी चीज है जो हर किसी ने खाया होगा अपनी लाइफ टाइम में, तो मुझे बहुत पसंद है पतासे। चलते चलते इनसे बात करूंगी। तो नेहा सबसे पहले क्या एक मोटिव क्या है, ये कॉमेडी है या फिर मैं कहूँ, क्योंकि पोस्टर से ही देख के लग रहा है फैमिली ड्रामा है, किस तरह की मूवी? एक्चुअली इट्स अ फैमिली मूवी,
इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, रोमांस भी मिलेगा, हाँ रोना धोना नहीं मिलेगा, बट द थिंग इज एक बहुत अच्छा काम दूर कर देगी. एग्जैक्टली 100% करेगी. मतलब ऊपर से हमारे टचवुड को एक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने मतलब हमने जिनके साथ काम की है, तो एक कॉमेडी का टच है और वो मुझे लगता है कि यहाँ की ऑडियंस को 100% एक अच्छा एनवायरमेंट देगी, बहुत इंजॉय करेंगे. अच्छा मैं आपसे सवाल करूंगी, फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ? देखिए फैमिली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इंसान के जीवन में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंसान के लाइफ में. क्योंकि फैमिली जो है वो एक तो आपको अपनों का प्यार मिलता है, कुछ एक अपने होते हैं जिनके साथ आप हर एक बात शेयर कर सकते हैं, आपको एक सपोर्ट होता है आपकी हर मुसीबत में, अच्छे खुशी के वक्त में जिनके साथ आप अपनी खुशी शेयर करते हो, अपने गम शेयर करते हो, तो वो एक फैमिली है जो एक अनकंडीशनल लव आपको प्रोवाइड करती है. बीइंग अ एक्ट्रेस कितना सपोर्ट रहा परिवार? फुल. मतलब अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती, मैंने एक्ट्रेस अवार्ड नहीं लिए होते, यंग वुमन अचीवर जो कि मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो ये सब कुछ नहीं होता. मतलब आज मैं जहाँ पे भी हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माय फैमिली, बिकॉज फैमिली है तो मैं हूँ. एक सवाल करूंगी, लास्ट टाइम मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है विदाउट माई मदर. एग्जैक्ट. तो उनका कितना एक रोल रहा आपके लाइफ? एक्चुअली मैंने यही कहा था कि आई एम इनकम्प्लीट विद माई मदर, वो हैं तो मैं हूँ. मतलब उनका तो मुझे, शी इज माई बैकबोन. उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है, मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने, हर कदम पे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे मतलब कुछ भी. रुझान अगर मैं कहूँ तो कहते हैं कि बहुत प्रोफेशंस हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यहाँ कुछ टेक्निकल फील्ड्स हैं, लेकिन नेहा ने इसी फील्ड को क्यों चुना? कुछ यहाँ कोई फेवरेट एक्टर से मिलने की ख्वाहिश तो नहीं है कि बॉम्बे जाऊंगी तो वहाँ पे मिलूंगी? मिल लिया ना अर्जुन से. अच्छा मैं फेवरेट एक्टर हूँ तो वेलकम. तो मतलब ऐसा था कि मेरे घर में जितने भी है सभी टीचिंग प्रोफेशन में हैं, लेकिन मेरे पापा का मन था कि मैं केएस ऑफिसर बनती, जो कि मैं बिल्कुल मन नहीं था मेरा. और एलकेजी में थी जब मैंने फर्स्ट स्टेज पे पैर रखा था, तो वहीं से एक होता ना क्यूरोसिटी आना, एक पैशन. आपको एनवायरमेंट अच्छा लगा? हाँ मुझे अच्छा लगा. और अंदर ही जो चीज होती है, मुझे लगता है इंसान के अंदर जो चीज हो ना उसी को एस्टैब्लिश करना चाहिए, उसी को एक. एग्जैक्टली. तो अभी मैं आपसे सवाल करूंगी, अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो कहते हैं कि मॉडलिंग से अगर आपने कदम रखा है तो बॉलीवुड में जाना बहुत आसान है. आप तमाम एक्टर्स को ले लीजिए या मूवी स्टार्स को ले लीजिए, आपने मॉडलिंग में पहले कोशिश की है, डायरेक्टली आप एक एक्टर के तौर पर ही वहां पर काम किया? जी नहीं, मैंने मॉडलिंग के थ्रू मैं बॉलीवुड में नहीं गया हूँ. मेरा शुरू से ही दिलचस्पी जो है वो एक्टिंग में रही है. तो एक तो मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं सोचता कि मैं पहले एक मॉडल बनता और फिर जाता. हाँ चॉकलेटी हीरो तो बन सकता. हाँ चॉकलेटी हीरो तो मैं बन सकता हूँ, कबूतर लगते हो. हाँ एग्जैक्टली. बट एक वो है कि मॉडलिंग नहीं मैंने की है, प्रिंट मॉडलिंग मैंने की है, बट रैंप शोज के लिए मेरी हाइट वो इतनी सफिशिएंट नहीं है. तो मैंने जो अपना पहला शुरुआत कहां से की, बिकॉज बॉम्बे का एक ऐसा सफर होता है, कहते हैं कि सिटी ऑफ ड्रीम्स है, सपनों का शहर है, सपने साकार होते हैं लेकिन आसानी से नहीं होते. कितनी स्ट्रगल किया? हाँ स्ट्रगल तो लाइफ में करनी पड़ती ही है. मैंने जो अपना बट मेरे लिए मेरे केस में मैं बहुत ही लकी रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना पहला ऑडिशन दिया था वो जम्मू की एक फिल्म थी, रीजनल फिल्म थी, टीम बाहर से थी मुंबई से. फिल्म का नाम था गुल गुलशन गुलफाम. तो वो फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया अपने फर्स्ट ऑडिशन में ही. तो वो फिल्म हमारी यहाँ पे केसी थिएटर में लगी थी. उसके बाद मुझे डायरेक्टर ने देखा, शाहिद काजमी जो हमारे डायरेक्टर हैं शादी के पतासे, इन्होंने फिल्म बनाई थी ये मेरी कहानी है दामिनी. तो उसमें इन्होंने मुझे गुल गुलशन गुलफाम में देखा, वहां से इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट की, अप्रोच किया अपने नए प्रोजेक्ट के लिए. तो वैसे ही फिर मैंने दामिनी शूट की और वो भी इंदिरा थिएटर में रिलीज हुई थी. तो इस तरह से मैंने दो फिल्में जो थी रीजनल फिल्म्स जम्मू की. उसके बाद मैंने पांच फिल्में और की हैं बॉलीवुड की जो अभी रिलीज नहीं हुई है. और ये जो शादी के पतासे मेरी सिक्स्थ फिल्म है जो कि एज अ डेब्यू मेरी पहले रिलीज हो रही है. अच्छा नेहा, असरानी साहब कहते हैं कि कॉमेडी टच उन्हीं से मिलता है. शोले मूवी किसको याद नहीं है, वो एक जेलर का किरदार के कुछ आगे चले जाइए, कुछ पीछे चले जाइए, कुछ मेरे पीछे आ जाइए, इस तरह का जो किरदार है, और ऐसे दिग्गज अभिनेता को मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स सुपर्ब. अभी भी आप बोल रहे हो ना मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं. मतलब ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर. मतलब अगर वो सेट पर भी है ना तो मुझे नहीं लगता कि उनकी साइलेंस भी इतना कुछ बोलती है ना कि डायलॉग्स की भी जरूरत होती है. एंड हम लोग तो मतलब हमसे काफी ज्यादा सीनियर है वो, और इतना कुछ सीखा उनसे, इतना कुछ सीखा एज एन आर्टिस्ट, एज एन पर्सन, बहुत कुछ सीखा. काफी एक बात पूछूंगी, बॉलीवुड मूवीज में जब आपने शोले देखी थी
तो वो कैसे एक्सपीरियंस है? बिकॉज कहते हैं कि बॉलीवुड की पहचान है वो मूवी. एग्जैक्टली. वो तो मतलब यार वी आर ब्लेस्ड कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला है. वो थे शगुफ्ता जी थे, मतलब वो इतने बड़े आर्टिस्ट है, इतनी बड़ी हस्ती है, और हम लोग अभी इतने मतलब उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं. लेकिन आफ्टर दैट हमने उनके साथ एक सेट शेयर किया है, कैमरा शेयर किया, स्क्रीन शेयर की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. अर्जुन, आपकी जो मूवी है स्पेसिफिकली, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? ये मूवी का एक्चुअली जो प्री वर्क जो होता है हमारा, वो तो पहले से ही चल रहा था. स्क्रिप्ट बन रही होती है, उसका सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट ऐसे बनते हैं. और जब हम शूटिंग के लिए गए थे ऑन फ्लोर, तो हम लोगों ने फिल्म जो थी तकरीबन 15-20 दिन में हम लोगों ने खत्म की थी, इंक्लूडिंग. जी हाँ, क्योंकि हम लोग फुल तैयारी के साथ जाते हैं. तो जी हाँ, हम लोग पहले से हम पूरा प्रिपेयर्ड रहते हैं. हमने सब वर्क किया होता है, तो सीधे शूट करते हैं हम लोग जाके. एक्चुअली सेट पे ना कोई बोलो ना कोई टेंशन नहीं थी, मतलब हमें पूरी फैमिली फैमिली एटमोसफियर था. ये जो फिल्म का शूट जो है प्राइमरली जम्मू में ही हुआ है, तो ज्यादा लोकेशन शिफ्टिंग नहीं थी. हाँ, तो ज्यादा एक गाँव में शूट हुआ है, सिदरा का एक गाँव है रंगूड़ा, तो वहाँ पे ये शूट हुआ है, तो ज्यादा लोकेशन शिफ्टिंग नहीं थी, तो इस वजह से शूट जो था वो जल्दी अच्छे से हो गया. ये रिलीज कब हो रही है? ये रिलीज हो रही है 19 जुलाई को थ्रू PVR ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो रही है. जम्मू के ऑडियंस जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि KC थिएटर में रिलीज हो रही है. और प्लीज आप सबको मुझसे जरूर मिलना है 19 जुलाई को, बिकॉज आपकी जम्मू की कुड़ी है, तो इसे सपोर्ट करना तो बंदा गया. जम्मू का मुड़ा तो आई है अपना. और मैं आपको रणबीर कपूर भी लग रहा है. थैंक यू सो मच. मैं आपको ये भी बता दूं कि बुक माई शो में हम लोगों का मूवी का आप देख सकते हो, वहां से अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हो. जब एक बार बुक माई शो में आपको टिकट अवेलेबल होने लग जाएंगी. तो आखिरी सवाल आप दोनों से करूंगी, ये तो शुरुआत है, अगर मैं कहूँ एक करियर की शुरुआत है, लेकिन आपने कहा कि अर्जुन आपने बॉलीवुड की मूवीज की हैं, तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपको हुआ है, लेकिन उससे आगे किस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं? और क्या कोई एक आइडल है जिसको देखते हुए आपने सोचा है कि एक बार जिंदगी में मैं उससे मिल लूं अगर बॉम्बे में मौका मिले? मैं देखो, आइडल तो ऐसा कोई मेरा नहीं है, बट हाँ ये है कि जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, मैं ये जरूर चाहूंगा अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूं. मेरा यही फंडा है कि धीरे धीरे ही आप सक्सेस को हासिल करते हो. जैसे मैंने टीवी किया है, टीवी शोज किए हैं, एड्स किए हैं मैंने हिमालय मैन पिंपल क्लियर नेम फेस वॉश का, उसके बाद मैंने ये शादी के पतासे की है. तो स्लोली स्लोली मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा काम करूं. सबसे पहले मैं एक अच्छा एक्टर बनूं. जब मैं अगर अच्छा एक्टर बनूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं डायरेक्टर्स की नजरों में आऊंगा, मुझे डायरेक्टर्स अप्रोच करेंगे, और जब अच्छे डायरेक्टर्स अप्रोच करेंगे तो उनकी स्टार कास्ट भी अच्छी ही होगी. तो मेरे को नेचुरली अच्छे लोगों के साथ काम करने को. फेवरेट एक्ट्रेस है कोई सर आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस तो नेहा तो है ही है. बॉम्बे से बताइए. मुंबई से बहुत बड़ी लिस्ट है वैसे, बट जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा, पर्टिकुलर आलिया भट्ट है. प्रियंका चोपड़ा तो खैर अब हॉलीवुड में चली गई है, बट आलिया भट्ट के साथ मैं काम करना चाहूंगा. बुला लें आपके लिए वापस. बुला लीजिए. आपकी कौन फेवरेट स्टार? निहाल होत्रा. योर सेल्फ इज खुद की फेवरेट. और बॉलीवुड में अगर पर्टिकुलर कोई एक्टर की बात, मुझे दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है. आलिया इज गुड. एंड सभी अपनी अपनी जगह, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन शी सेड शी इज द बेस्ट. लेकिन आपको बता दूं, शादी के बतासे मूवी आने वाली है, और यहाँ पे जो सिनेमा घरों पर ये मूवी जो है यहाँ पर आने वाली है, सीधे तौर पर आप भी जाइए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत हुनर है, बहुत काबिलियत है, और उस हुनर को तराशा गया. और जब एक मौका मिलता है सभी जब अपना हुनर दिखाते हैं, लेकिन हाँ ये मूवी जो है सभी थकान जो है आपकी वो दूर कर देगी. टेंशन फ्री होकर जाइए और हंसते और मुस्कुराते हुए सिनेमा घरों से आप निकलेंगे और कहेंगे कि वाकई कोई एक बहुत खूबसूरती के साथ एक मूवी को बनाया गया. इसी ताजा अपडेट के लिए हमारे जो देखते रहे श्री न्यूज़ के साथ, कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी, आपसे नमस्कार.